नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। भगवान की कहानी आप सब लोगों ने सुनी पिछले एपिसोड में, और उस एपिसोड में हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से कंस एक दुराचारी अत्याचारी होने के साथ निर्मम बालकों की हत्या भी उन्होंने कर दी। 6 बालकों की उन्होंने हत्या की। जीवन और मरण का एक ऐसा नाता है कि प्रत्येक जीव जो पैदा होता है उसके पहले ही उसके मरण की कहानी सुनिश्चित कर दी जाती है, और उसके जीवन के पीछे भी एक रहस्य होता है। तो वो 6 शिशु कौन थे और क्यों उनको मृत्यु प्राप्त हुई? तो ब्रह्मलोक में 6 देवता रहा करते थे जो भगवान ब्रह्मा के कृपा पात्र थे। अब कृपा पात्र रहे इसीलिए वो लोग धीरे धीरे जो है घमंडी होते चले गए, क्योंकि हर गलती पे कहीं ना कहीं भगवान ब्रह्मा उनको स्नेह और कृपा देते रहते थे, उनको बढ़ावा मिलता चला गया। अब एक दिन उन्होंने जो है भगवान ब्रह्मा का ही अनादर कर दिया घमंड में आकर। अब इस कारण भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया 6ों को। श्राप क्या दिया? आप जो हैं पृथ्वी लोक पर दैत्य योनि में जन्म लेंगे या दैत्य वंश में जन्म लेंगे। अब 6ों को श्राप सुन के शॉक तो लगता ही, उसके बाद वो तुरंत ही चरणों में गिर देते हैं भगवान ब्रह्मा के और उनसे क्षमा मांगते हैं और रोने बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद जो है भगवान ब्रह्मा मानते तो बहुत थे ही उनको, तो कहीं ना कहीं दिल पिघल जाता है और वो कहते हैं कि हम श्राप तो अपना वापस नहीं ले सकते, लेकिन इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो वो कहते ये हैं कि आप राक्षस योनि या दैत्य योनि में जन्म तो लेंगे, लेकिन आपको पूर्व ज्ञान जो आपका है वो हमेशा याद रहेगा। जब उनका जन्म होता है राक्षस राज यानी कि हिरण्यकश्यप के यहाँ, तो उनको पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान रहता है, इसी कारण वो कोई भी पाप नहीं करते और अपना जो पूरा समय है वो भगवान ब्रह्मा की आराधना में उनकी तपस्या में व्यतीत करते हैं। अब इस तपस्या को देखकर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं वरदान मांगो पुत्र। तो वो वरदान स्वरूप जो मांगते हैं भाई, उनकी दैत्य योनि में जन्म रहता है तो दैत्य प्रवृत्ति आ जाती है उन लोगों के अंदर, तो वो मांगते भी ऐसा ही वरदान है कि मेरा जो वध है वो ना देवता कर पाए, ना गंधर्व कर पाए, ना हमारी मृत्यु किसी बीमारी से हो। अब ये वरदान देते ही भगवान ब्रह्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ रहा होता है ये सब देख के कि मेरे जो पुत्र हैं वो भगवान की आराधना में इतने ही लीन है, वो आके श्राप दे देते हैं और श्राप में ये देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु ना देवता से होगी ना गंधर्वों से होगी, तुम्हारी मृत्यु केवल एक दैत्य करेगा। और इसी कारण जब ये देवी देवकी के गर्भ में से जन्म लेती हैं 6 संतान तो दैत्य कंस के हाथों इनका वध होता है। बात करते हैं 7वें पुत्र, तो 7वें पुत्र के साथ क्या हुआ? दरअसल देवताओं की ये पहले से मंत्रणा थी कि भगवान अवतरित होंगे तो उनके सहायक यानी शेषनाग को भी अवतार तो लेना ही पड़ेगा। अब शेषनाग जैसा कि कंस करता आ रहा था लगातार कि वो प्रत्येक पुत्र की हत्या कर दे रहा था, तो देवताओं ने एक योजना बनाई कि देवकी के गर्भ में जो 7वां पुत्र है उसको स्थानांतरित कर देते हैं देवी रोहिणी के। तो उन्होंने देवकी के गर्भ को स्थानांतरित कर दिया देवी रोहिणी के गर्भ में, जहां से हमारे दाऊ यानी भगवान बलराम का जन्म हुआ। अब इसके आगे की कहानी आप सब लोगों को पता ही है, वो हम भी देखेंगे क्योंकि अब भगवान स्वयं आ गए हैं तो हम चल के देखेंगे, क्योंकि इसके पीछे फ्लैशबैक देखना जरूरी था, फ्लैशबैक के पीछे का फ्लैशबैक। तो फिलहाल पिछले एपिसोड की अगर बात करें तो ऐसा दिव्य दर्शन, ऐसी भव्य गाथा, मतलब जिस प्रकार से भगवान को उन्होंने दर्शाया, जिस प्रकार से भगवान की महिमा उन्होंने दिखाई, अद्भुत प्रसन्न हो गया, इसकी कोई व्याख्या कर ही नहीं सकता शब्दों में। हमारे पास शब्द नहीं थे उस व्याख्या को करने के लिए, इसलिए इतने शब्द लेके आए हैं आपके पास कि उनके जन्म के दौरान की कहानी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जन्म के पहले कहानी के पीछे की क्या कहानी थी वो जानना भी थोड़ा आवश्यक था। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 185 पार्ट 1। सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद की याचना करता है। सारे संसार को आशीर्वाद देने वाला विष्णु आपके आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कीजिए। कौन मना कर सकता है? शांताकार
मैं बताना भूल गया था, लेकिन मुझे ये पता था कि वो चाकू मारेंगे ही नहीं। छू भी नहीं, शॉप लाइन है यार, शॉप तो लाइन को हमको ही लगा। किसी ने देखा तो नहीं? सॉकेट लगा है इधर। हालत खराब हो गई है। यार तार मंगा किसने चढ़ा है? कष्ट कर गए हैं स्वयं भगवान अपरित उनकी गोद में है, क्या कष्ट करता है। अच्छा कब आ गए? हाँ भाई, इनके बाद इसके लिए स्पेशल तैयारियां की होंगी ना। मैं अपने पुत्र को गोकुल ले जा रहा हूँ, मेरे मित्र नंद के रक्षण में ये सुरक्षित रहेगा। किंतु किंतु कैसे आ रहे? यहाँ कारागार के द्वार बंद है, बाहर बाहर सैनिकों का जत्था खड़ा है, इतनी वर्षा हो रही, अवश्य यमुना में बाढ़ आई होगी। ऐसी स्थिति में अभी अभी जन्मे बालक को लेकर गोकुल कैसे पहुंचेंगे? नहीं आ रहे, नहीं। सब भगवान दे रहे हैं, सब स्वयं हो जाएगा, आप बस कदम बढ़ाइए। क्या बात, ईश्वर को काम हो सकता है। स्वयं ईश्वर को कौन मान सकता है? देवकी अपना आशीर्वाद दे। क्या गाने लगी है भाई?
भाई दो झटके खाए हैं 440 वाले भाई 220 440 खून तो सूख ही गया होगा जैसे उन्होंने पैर स्पर्श किए भगवान की वैसे उन्होंने रास्ता दे दिया। भी नहीं चला उनको मतलब कुछ माया उन्होंने ऐसी दिव्यता का इन्होंने कभी जीवन में कहीं देखा ही सारे दुखों से तर गया नंद बाबा कितनी भीषण रात है वसुदेव हाँ मित्र नंद मेरे जीवन की सबसे भीषण रात जब मैं अपने मित्र से इतना बड़ा बलिदान मांग रहा हूं आप बलिदान नहीं मांग रहे हैं वसुदेव यह समय बलिदान मांग रहा है सूर्योदय होने से पहले हर रात बहुत ही काली प्रतीत होती है किंतु सूर्योदय अवश्य होता है मेरी पत्नी यशोदा ने आज रात इस पुत्री को जन्म दिया है लीजिए वसुदेव और अपने पुत्र को मेरी रक्षा में दीजिए अब भी विचार कर लीजिए मित्र नंद संभव है कि कंस इस कन्या का वध कर दे यदि ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री का बहुत बड़ा उपकार होगा इस संसार में लीजिए वसुदेव ले जाइए इसे
लीजिए वसुदेव, ले जाइए इसे। भगवान ने यहां भी एक चीज सिद्ध कर दी कि कार्य तो करना ही पड़ेगा। मैं सहायता कर दूंगा, मैं 99% सहायता कर दूंगा, लेकिन 1% कार्य आपको करना ही पड़ेगा। सारे बंधन खोल दिए, सारे द्वार खोल दिए, सबको बेहोश कर दिया, विस्मृत कर दिया सबको, लेकिन उसके बाद भी वसुदेव को स्वयं लेके जाना पड़ा भगवान को, अपने शीश पे रख नदी क्रॉस करनी पड़ी, नदी यमुना नदी को उन्होंने पार किया। तो ये सब बताता है कि भगवान आपकी 99% मदद कर सकते हैं। यदि पूरा आस्था एवं सारे संकल्प आपने एकदम निष्ठा से निभाए हैं तो भगवान आपकी 99% मदद कर सकते हैं, लेकिन एक परसेंट की जो कार्य करने की क्षमता वो आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपका बलिदान मांगती है। फिलहाल इस एपिसोड से हम यही विदा लेते हैं, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।